हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फैज अहमद फैज, वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन का केस। इलास्टिक कोलिजन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। पीछे से एक U1, यहाँ पे U1 इज ग्रेटर देन U2 है, और यहाँ पे V2, इस केस में V2 ग्रेटर देन V1 है। तो U1 पता है, U2 पता है, M1 पता है, M2 पता है। जब ये जाके आगे कोलिजन हुआ तो V1 और V2 की वेलोसिटी अलग अलग हो गई, जिसमें से V1 की वेलोसिटी ये वाली है। और V2 की वेलोसिटी ये वाली है। इससे पहले अगर हम लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एक छोटी सी लाइफ की बात याद करते हैं। लाइफ की बात यह है कि जो इंसान अकड़ता है उसके पास कुछ नहीं होता। चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कोई चीज़ नहीं है। देखो कैमरे में सब सही दिख रहा है, हाल चाल बढ़िया। ठीक, चलो देखो, हाँ देखो, सबसे पहले हम केस लेंगे, केस नंबर 1। अच्छा सुनो, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना यूट्यूब पर पूरा, ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हों, या चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हों। प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए, 11th वाले बच्चों के लिए भी है और IIT नीट वालों के लिए। कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, सीढ़ी पता नहीं होगी तो कैसे चढ़ जाएंगे। ठीक है, पहला केस हम ले रहे हैं कि ये जो हमारा M1 मास है और ये जो हमारा M2 मास है, ये दोनों M के इक्वल है। किसके इक्वल है? M के इक्वल। अगर हमारा M1 और M2 बराबर है और ये दोनों मास M के इक्वल है, तो बताओ V1 हमारा कितना होगा। मान लो अगर ये साइकिल है तो ये भी साइकिल है, दोनों का मास सेम है, तो V1 हमारा किसके इक्वल होगा। तो देखिए, यहाँ पे M1 की जगह M रखेंगे, M2 की जगह M रखेंगे, M-M क्या हो गया? 0। तो दिस होल क्वांटिटी इज 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे M2 की जगह M रखेंगे, नीचे M1+M2 है, तो M1+M2 की जगह M और M रखेंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी V1 आएगी वो आएगी 2, M2 की जगह क्या रखेंगे? M, और M1+M2 की जगह क्या रखेंगे? M+M। तो दिस इज 2M/2M, ये हुआ। और इसके साथ कौन सी वेलोसिटी है? U2, दिस U2। तो 2M/2M क्या हो गया? कैंसल। तो V1 किसके इक्वल आया? V1 आया U2 के इक्वल। ठीक है, V1 किसके इक्वल आया? U2 के इक्वल। मतलब जब इसने इसको टक्कर मारी, कब? जब दोनों मास बराबर हैं। जब इन दोनों का मास बराबर हो और इसने जब इसको टक्कर मारी, तो ये जो हमारा V1 है, ये वाला, इसकी वेलोसिटी इस वाले U2 के वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, दिस। ठीक, अब V2 देखिए किसके इक्वल होगा। यहां पे देखिए, M2-M1, M2 की जगह M, M1 की जगह M, M-M क्या हो गया? 0। दिस होल क्वांटिटी 0। बस वहां पे भी देखिए, 2M/M+M, तो M+M 2M/2M कैंसिल, तो V2 किसके इक्वल आया? V2 हमारा आया U1 के इक्वल। ठीक है, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे आगे जाके, और जब दोनों का मास सेम होगा, तो जो वेलोसिटी M1 की होगी बाद में वो वेलोसिटी M2 की हो जाएगी, जो शुरू में वेलोसिटी M2 की होगी वो बाद में वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, बस, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, नोट करिए। केस सेकंड केस हमारा क्या है? देखो, इफ दिस M1 इज ग्रेटर देन M2, मतलब M1 M2 से बहुत बड़ा है, मतलब M1 को हम बोल रहे हैं ट्रक और M2 को हम बोल रहे हैं साइकिल। ठीक, अब सुनिए, हमारी ट्रक खड़ी हुई है,
तो एम वन कैसा है, एम वन इज एट रेस्ट। अगर एम वन खड़ा है तो यू वन की वेलोसिटी कैसी होगी, यू वन हमारा जीरो होगा। ये हमारे पास एक कंडीशन। एम टू मूव्स, साइकिल जा रही है, एम टू मूव्स, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी यू टू होगी। ठीक है, तो सुनो, ये ट्रक ऐसे खड़ा है और ये साइकिल ऐसे खूब तेजी से वेलोसिटी से आ रही है और इसको टक्कर मार रही है। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या ये ट्रक पीछे जाएगी, ये साइकिल छटक जाएगी पीछे की तरफ आगे की तरफ, ये पता लगाना है। मतलब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के बाद। पहले टकरा रहे थे तो वेलोसिटी अलग अलग थी, अब एम वन को बहुत बड़ा कर दिया, एम टू को बहुत छोटा कर दिया, अब ये टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो वी वन निकालना है, वी वन एम वन एम टू से बहुत बड़ा है, एम वन एम टू से बहुत बड़ा है, लेकिन एम वन कैसा है रेस्ट में, तो वेलोसिटी कैसी है जीरो। एम वन कैसा है रेस्ट में, वेलोसिटी कैसी है इसकी जीरो, और अगर ये वेलोसिटी यू वन जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब सुनिए यहां पे आइए, एम टू एम टू, एम वन एम टू से बहुत बड़ा है, M1 M2 से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम M2 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है तो M2 को हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट। तो यहां पे U1 जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, यहां M2 को भी हम जीरो मान रहे हैं, M2 बहुत छोटा है ट्रक के सामने तो M2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो V1 किसके इक्वल आएगा, V1 हमारा जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब साइकिल आई ट्रक को मारी, ट्रक अपनी जगह खड़ी है, ट्रक हिली तक नहीं। ठीक, अब V2 की बात करते हैं, मतलब साइकिल का क्या हुआ। देखो M1 M2 से बहुत बड़ा है, M1 M2 से बहुत बड़ा तो M2 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट, हटा देंगे, मतलब ट्रक के सामने साइकिल इतनी छोटी है कि उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टकराने के बाद, तो साइकिल को हटा दिया, M2 हटा दिया, तो यहां माइनस M1 और M1, तो V2 किसके यहां इक्वल आया, माइनस M1 अपॉन M1 एंड दिस U2 प्लस। M1 M2 से बहुत बड़ा है और U1 कैसा है, देखो जीरो, तो यहां U1 जीरो है तो दिस होल थिंग इज जीरो, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई जीरो, तो बताइए M1 M1 क्या हो गया, कैंसल, तो V2 किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ U2 के इक्वल। मतलब साइकिल आएगी, ये ट्रक खड़ी है और ये साइकिल है, ये साइकिल आई 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 टकराई, ट्रक हिली तक नहीं और साइकिल U2 वेलोसिटी से पीछे चली गई, पीछे क्यों चली गई, माइनस लगा है। ठीक है, नोट करिए इसको, ये केस सेकंड है। ठीक, नोट करिए फटाफट। अब इसी का उल्टा कर दे रहे हैं, M1 M2 से बड़ा रख रहे हैं, U1 के पास वेलोसिटी है और साइकिल खड़ी हुई है, मतलब साइकिल की वेलोसिटी जीरो है, U2 जीरो है। ठीक है, तो अब क्या होगा, V1 बताइए किसके इक्वल होगा, ट्रक आई साइकिल को मारी, तो M1 M2 से बहुत बड़ा है, तो अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है तो M2 को हटा देंगे, सिर्फ M1 रखेंगे, M1 अपॉन M1, ये वेलोसिटी कितनी है U1, तो इस वेलोसिटी हो गई U1 प्लस। M1 M2 से बहुत बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो, M2 को हटाएंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, M1 M1 कैंसिल, तो V1 किसके इक्वल आया, U1 के इक्वल। ठीक है, ठीक, V2 देखिए, M1 M2 से बड़ा, M2 हटाओ, बताओ क्या बचा यहां, M1 अपॉन M1, U2, U2, U2 कैसा है बताओ, U2 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इधर आ जाओ, 2M1 upon M1 plus M2, M1 M2 से बहुत बड़ा है, ठीक है, M1 M2 से बहुत बड़ा है, तो अब इधर आते हैं V2 निकालना, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया क्योंकि U2 जीरो है। अब यहां आते हैं, 2 M1 upon
एम वन एम टू से बहुत बड़ा है, तो बताओ यहाँ क्या होगा? एम वन वेलोसिटी कितनी है? यू वन है पहले से, यू वन, तो एम वन एम वन कैंसिल, तो वी टू किसके इक्वल आया? वी टू आया टू यू वन के इक्वल। मतलब ट्रक आएगी साइकिल को टक्कर मारेगी 10 मीटर पर सेकेंड से। ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारा 10 मीटर पर सेकंड से, तो साइकिल कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगी? 2 × 10 20 मीटर पर सेकंड से, उसकी दुगनी वेलोसिटी से, ठीक है। और साइकिल अगर ट्रक को टक्कर मारेगी तो ट्रक खड़ी रहेगी, साइकिल पीछे की तरफ चली जाएगी। जितनी वेलोसिटी से वो उसको टक्कर मारेगी उतनी वेलोसिटी से साइकिल पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों आपका केस आपने इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ दिया। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन, फिर कोलिजन इन टू डायमेंशन, फिर ऑब्लिक कोलिजन, फिर बैलिस्टिक कोलिजन, उसके बाद खत्म हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी आपका। वर्क पावर एनर्जी वैसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।